हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड के बारे में। एंड गाइस, साथ साथ में आपको दो न्यू इवेंट बताने वाला हूँ और बंडल्स बताने वाला हूँ जो उस इवेंट में हमें जल्दी गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गारंटीड है कि वो इवेंट्स हमें गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ गाइस, कुछ न्यू OB30 अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे कि सभी प्रो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो प्रो लोगों के लिए वन टैप मारना बड़ा इजी होता है। तो जब सबसे पहले जाके मेरे सब्सक्राइब बटन पे वन टैप मार दो और मेरे बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर देना। बहुत इजी काम है प्रो लोगों के लिए, आप लोग कर ही लोगे तो प्लीज अब भी जाके कर लो। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूं मैं कि बहुत टाइम से आप लोग मुझसे मेरा कलेक्शन का वीडियो मांग रहे थे, कलेक्शन देखना चाहते थे। तो गाइस, फाइनली कलेक्शन वीडियो आ रही है मेरी। तो अगर आपको मेरी कलेक्शन वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है उस चैनल पर जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मेरे कलेक्शन की वीडियो है वो उसी चैनल पर अपडेट होगी। मेरे फ्रेंड का चैनल है तो यार समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कोलैबोरेशन टाइप का यार। एंड जब कलेक्शन वीडियो आ जाएगी तो मैं मेरे कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर रखोगे अगर आप मेरे चैनल को, तो आपको कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरा कलेक्शन वीडियो आने वाला है। एंड लिटरली गाइस, बहुत ही ज़्यादा OP वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं अब हमारे अपडेट्स पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लॉबी की बात करने वाले हैं कि OB30 अपडेट्स में लॉबी कैसी होने वाली है। तो गाइस, तीन लॉबियाँ सामने आई है। एक हेलोवीन के बेस पर है, एक बुया डे के बेस पर है, क्योंकि यस बुया 2.0 आ रहा है, एंड एक किस बेस पर है वो मुझे नहीं पता। तो गाइस, तीनों लॉबी आप देख सकते हो। एंड लिटरली बोलूँगा वैसे अच्छी लग रही है लॉबी, ज़्यादा कुछ ऐसा अजीब नहीं लग रहा है मुझे, अच्छी लग रही लॉबी। और अभी इस अपडेट से थोड़ा सा लॉबी का लुक सुधार दिया गया, जो मुझे बड़ा कूल लग रहा है। तो यार, इन तीनों लॉबी में से आपको कौन सी लॉबी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ये जो बुया डे वाली है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड गाइस, इतना ही नहीं, OB30 अपडेट में एक और ऑसम चीज़ होने वाली है। गाइस, बहुत सारे लोग परेशान थे PC प्लेयर्स से, जो कि हमें हमारे गेम्स में मिल जाते थे, रैंक गेम में हमारा PC प्लेयर्स के साथ मैचमेकिंग हो जाता था। एंड क्लियरली यार गाइस, PC प्लेयर के सामने हमें डिसएडवांटेज रहता है जो लोग फ़ोन से खेलते हैं। तो गाइस, गरीना ने फाइनली बोल दिया है कि अब PC प्लेयर की जो मैचमेकिंग होगी वो मोस्टली PC प्लेयर्स के साथ होगी, एंड मोबाइल प्लेयर्स को मोबाइल प्लेयर्स के साथ ही मैचमेकिंग किया जाएगा। अगर जैसे स्क्वाड में अगर आपके पास दो PC प्लेयर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा PC प्लेयर्स हैं, तो उन्हें पूरा PC प्लेयर्स की लॉबी में ही पटका जाएगा, उन्हें मोबाइल प्लेयर की लॉबी में नहीं पटका जाएगा। अगर आपके स्क्वाड में एक ही PC प्लेयर है तो चांसेस है कि उसे मोबाइल प्लेयर की लॉबी में पटक दिया जाए। बट सोलो खेलता है तो ऑब्वियसली PC प्लेयर की लॉबी सेपरेट रहेगी और मोबाइल प्लेयर्स की लॉबी सेपरेट रहेगी। तो एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो मोबाइल प्लेयर्स हैं, क्योंकि यार PC प्लेयर्स वालों को इतना एडवांटेज रहता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, लिटरली यार कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ इस अपडेट से। आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। अब चलते हैं गाइस दो इवेंट के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस, फेडेड व्हील की बात करने वाला हूँ मैं। तो गाइस, एक ब्रांड न्यू फेडेड व्हील इवेंट देखने को मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 17 या 18 को देखने को मिलेगा। एंड गाइस, उस फेडेड व्हील इवेंट में हमें देख सकते हो आप लोग ये पर्पल वाला बंडल, एंड गाइस एक मोको का इमोट। मोको का इमोट बोले या मतलब उसी टाइप का एक इमोट है जो हमें देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप लोग ये बैनर है, और मैं आपको बंडल्स वगैरह और इमोट वगैरह भी दिखा देता हूं। तो गाइस, बंडल देख सकते हो। सबसे पहले तो बंडल ज़्यादा एकदम ऑसम तो नहीं है, लिटरली बोलूंगा बंडल अच्छा है पर एकदम ऑसम नहीं है। बट गाइस, जो इमोट है, इमोट बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो गाइस देख सकते हो, ये है वो इमोट जो हमें देखने को मिलेगा उसी फेडेड व्हील इवेंट में। दोनों चीज़ें एक ही फेडेड व्हील इवेंट के अंदर दी जाएगी, एंड इमोट बहुत कूल लगा है मुझे, जो भी बोला इमोट जो है ना बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहो तो स्पिन कर सकते हो, ऑब्वियसली फेडेड व्हील इवेंट है तो चांसेस है कि मोस्टली अच्छी चीज़ें लास्ट में ही मिलेगी। बट अगर आपको पहले मिल जाती है तो भाई बहुत ही ऑसम बात है, क्योंकि इमोट बहुत ही कूल लगा है मुझे। एक तो स्पिन तो मैं भी मारूंगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि स्टार्टिंग के स्पिन सस्ते होते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। तो हमें एक टोकन टावर इवेंट गाइस देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर, और वो हमें देखने को मिलेगा 20 सितंबर को। और गाइस, उसके अंदर हमें दो बंडल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक आय का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो, ये है उसका बैनर, ऑफिशियल बैनर, और बंडल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस, बंडल भी दिखाऊंगा। बट गाइस, बंडल्स पे चलने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पर वन टैप मारना है और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर देना। दैट्स इट यार, बस इतना छोटा सा काम कर दो, एक रिक्वेस्ट है प्लीज पूरी कर दो। तो बंडल की बात करो तो गाइस, बंडल देख सकते हो आप लोग, दोनों बंडल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। मुझे बंडल की बात करूँ तो यार, बंडल थोड़ा सा अच्छा लगे, जो जैकेट वगैरह है ना, पीछे जो एनिमेशन है बैक पे, बहुत ही ज़्यादा कूल लगा, जो विंग्स टाइप का एनिमेशन है। एग्जैक्टली किस थीम पर है बंडल ये मुझे नहीं पता, बट यार बहुत ही ज़्यादा OP लगे हैं, मेल बंडल बहुत ही कूल लगा है गाइस। ओवरऑल जो एनिमेशन दिया गया वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, एंड बहुत ही कम ऐसा एनिमेशन वाले बंडल आजकल आ रहे हैं गेम के अंदर। एंड गाइस, सेम गोस फॉर फीमेल बंडल, फीमेल बंडल भी बिल्कुल कतई जहर बनाया गया है। जो विंग्स वाला है ना, वो फीमेल बंडल भी बहुत ही कूल लग रहा है, मुझे दोनों बंडल इक्वली अच्छे लगे हैं। एंड लिटरली यार, बहुत ही अच्छे बंडल आ रहे हैं हमारे टोकन टावर इवेंट में। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है कि दोनों बंडल आ रहे हैं, तो मतलब यार
जल्दी मिल सकते हैं। एक बंडल तो डेफिनेटली जल्दी मिल ही जाएगा। मेल बंडल हो सकता है 5th टोकन पे हो और जो फीमेल बंडल है वो 4th टोकन पे हमें देखने को मिल सकता है। एंड गाइस जो आई का इफेक्ट है वो भी देख सकते हो आप लोग, ऐसा थोड़ा सा ब्लू कलर का ऐसा फ्यूम्स निकल रही है आंखों से, जो ठीक है कूल है। मैच में आई डोंट थिंक सो कि इतना नोटिस हो पाएगा, बट फिर भी बहुत ही कूल लग रहा है। तो ये टोकन टावर इवेंट हमें देखने को मिल जाएगा गाइस 20 तारीख को हमारे इंडियन सर्वर में। एंड गाइस 100% गारंटीड है हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट आते हैं हमारे टॉप अप रिवॉर्ड पे। यार मुझे ये बीच में बताना था बट मैं भूल गया, तो गाइस आई एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ हमारे टॉप अप रिवॉर्ड के बारे में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड होगा एक ग्लो वॉल की स्किन और एक बैकपैक। यस गाइस हमें ग्लो वॉल और एक बैकपैक देखने को मिलने वाला है। बैकपैक देख सकते हो आप लोग एनिमेशन वगैरह, मतलब लिटिल ब्लू बैकपैक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। ठीक ठाक सा बैकपैक है, एकदम ओपी कुछ भी नहीं है इस बैकपैक के अंदर। ओवरऑल बोलूँ तो ओके बैकपैक है यार, मीडियम है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अब बात करते हैं ग्लोवल की स्किन। तो गाइस ग्लोवल की स्किन एक बार में देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ एनिमेशंस हैं, बट नहीं गाइस कुछ एनिमेशंस नहीं है, सिंपल वाली ग्लोवल की स्किन है। बट ओवरऑल जो लुक है गाइस ठीक ठाक सा है। कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, ऐसे डार्क पर्पल का मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, बट आई डोंट नो गेम के अंदर शायद अच्छा दिखे। तो गाइस देख सकते हो अगर आपको अच्छी ग्लोवल की स्किन चाहिए तो टॉप अप कर सकते हो, इतनी बुरी भी नहीं है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यार, क्योंकि और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर गेम के अंदर। तो ठीक है यार, एक ग्लोबल की स्किन के लिए टॉप अप करना मैं सही नहीं मानता। तो गाइस यही था हमारा नेक्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड जो 100% हमें इंडियन सर्वर में देखने को मिलने वाला है। तो यही कुछ इवेंट्स एंड अपडेट्स जो गाइस गेम के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरा कलेक्शन का वीडियो देखना है तो प्लीज़ सबसे पहला जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसको जाके चैनल चेकआउट करना है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस वीडियो कहीं आप करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टॉप अप रिवॉर्ड कैसा लगा। सो गाइस बाय बाय।